नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कैड सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 11 होगा। सबसे पहले हम ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 2D का वर्क स्पेस एंड 2D के कमांड्स आपको ओपन हो जाएंगे। तो हमें 3D कमांड्स पे जाने के लिए यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशन बटन पे आप जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो आपको 3D मॉडलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2D एंड 3D के दोनों कमांड एक साथ कंबाइन हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा ऑटोकैड 3D का वर्क स्पेस है। उसके पहले दोस्तों हम लिमिट सेट करेंगे। लिमिट सेट करने के लिए आप LIM इंटर कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो 0.0 डालकर इंटर कर दीजिए। अपर राइट कॉर्नर में 200.200 डालकर इंटर कर रहा हूँ। एंड दोस्तों, जूम प्लस ऑल कमांड भी अप्लाई करना होगा। उसके लिए आप जेड इंटर कीजिए एंड ए इंटर कीजिए। यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाएगा, लिमिट सेट हो जाएगा। अब दोस्तों हम ड्राइंग को देखेंगे। अगर ड्राइंग को दोस्तों आप इस साइड से देखेंगे तो हमें इस टाइप से इसका 2D स्केच दिखाई देगा। एंड अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे ये इस टाइप से दिखाई देगा। ये दो होल हैं, ये हमें होल दिखाई दे रहे हैं। एंड आप इसको दोस्तों अगर इस साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब अगर इसके डायमेंशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इस वाले अंदर वाले सिलेंडर के अंदर वाले सर्किल की जो डायमीटर है 25 एंड आउटर सर्किल की डायमीटर है 44 mm। एंड इस वाले आर की जो रेडियस है 90 mm एंड इस वाले आर की जो रेडियस है वो 60 mm है। एंड दोस्तों, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ से देख सकते हैं 36 mm। एंड ये देख सकते हैं इसके और इसके बीच की जो गैप है वो 5 mm है। अब बात करें दोस्तों इसकी विड्थ की, तो ये 30 mm है। इसकी जो चौड़ाई है वो ये देख सकते हैं 30 mm है। एंड ये वाली जो हाइट है दोस्तों वो 16 mm है और ये वाली जो हाइट है यहाँ से देख सकते हैं 27 mm। एंड ये जो चार होल हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं सिक्स रेडियस की है दोस्तों। यहाँ पे डायर डाला हुआ है तो इसे आप मैनेज करना है, इसे यहाँ पे 6 की जगह 12 कर लेना और इसे 8 की जगह यहाँ पे 16 कर लेना। तो ये 16 रेडियस है और 6 रेडियस है यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इस होल की, तो अगर इस होल की हम इस साइड से डिस्टेंस लेंगे 25, इस साइड से लेंगे 25, तो यहाँ से हमने 25 आया और इस साइड से 25, तो जो हमारा ये सेंटर पॉइंट सर्किल के मिल जाएगा और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इस सर्किल के हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम 4 रेडियस की ये हमें प्लेट लगा हुआ है ये देख सकते हैं और सेम 4 रेडियस की प्लेट हमने यहाँ पे भी लगा दिया है। तो अब दोस्तों हम ड्राइंग को बार बार नहीं देखेंगे, इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। मैं ड्राइंग को अब स्टार्ट करता हूँ। अब दोस्तों हमारा ड्राइंग जो था वो हमारा फ्रंट व्यू से था, इसलिए हम यहाँ से व्यू को फ्रंट व्यू कर लेंगे। जैसे आप यहाँ से व्यू फ्रंट चेंज करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे भी फ्रंट दिखाई देगा। अब दोस्तों हम एक 25 डायमीटर पे और एक 44 डायमीटर पे हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से सर्किल कमांड लेंगे 25 डायमीटर यानी 12.5 रेडियस, अगेन 25 रेडियस, सॉरी 22 रेडियस। तो हमने 12.5 mm की रेडियस की एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है और 22 mm रेडियस की एक सर्किल ड्रॉ कर लिया सेम सेंटर पॉइंट से। अब दोस्तों इसके सेंटर पॉइंट से हम नीचे की ओर 36 mm की एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए यहाँ से लाइन कमांड लीजिए और नीचे की ओर 36 डालकर इंटर कर दीजिए। एंड इस साइड पे हम 75 mm पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की ओर 16 mm पे और यहाँ पे इसे हम छोड़ देंगे। एंड दोस्तों इस पॉइंट से हम नीचे की ओर एक अंदाजा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट से हम इसे मिला देंगे। एंड जो दोस्तों ये हमें बाहर की ओर लाइन जा रही है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। एंड यहाँ से इस साइड पे मुझे 87 mm पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है।
एंड दोस्तों इस सेंटर पॉइंट से एक 19 रेडियस की सर्किल, अगेन एक 60 रेडियस की सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड इस पॉइंट से ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम यहाँ से भी इस पॉइंट से एक लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब दोस्तों इस लाइन को हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारा ये 30 एंगल पे ये हमारा सर्किल है। इसके और इसके बीच की जो एंगल है 30 mm, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो एंगल होगी वो 30 mm। तो उसके लिए हम इस लाइन को 30 mm पे ऑफ रोटेट कर लेंगे। तो इसके लाइन पे क्लिक कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। रोटेट पे क्लिक लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसका मुझे कॉपी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। आप सीओ इंटर भी कर सकते हैं, और एंगल डालने को पूछ रहा है तो 30 डालकर इंटर कर देंगे। सेम दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, रोटेट पे क्लिक कर लेंगे, बेस पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लीजिए एंड एंगल डाल दीजिए 30। ये देख सकते हैं हमारा हो जाएगा। एंड टिन लेंगे, सर्किल का मान लीजिए, और इससे इस पॉइंट तक एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। अगेन ट्रिम का मान लीजिए, और यहाँ से आप सर्किल का मान लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों यहाँ से ट्रिम कमांड लेकर इसे आप ट्रिम कर लीजिए, ये जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि हमने ट्रिम, ये सर्किल जो है हमारा वो मिस्टेक हो गया, तो इसे हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से सर्किल कमांड लीजिए, और इस लाइन के सेंटर पॉइंट से, मिड पॉइंट से सॉरी, और इस लाइन के एंड पॉइंट तक आप ड्रॉ करके इसे छोड़ दीजिए। अब मैं इसे इरेज कर लूँगा, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों मुझे ये 6 रेडियस की सर्किल ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 6 रेडियस कर लीजिए दोस्तों, यानी कि ये 12 बढ़ाया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 6 रेडियस की हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये देख सकते हैं आर्क की हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगी, 6 डालकर एंटर कर दीजिए। एंड इसे सेलेक्ट कीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए, कॉपी सिलेक्शन पे क्लिक कर लीजिए, और बेस पॉइंट दे लीजिए सर्किल की सेंटर पॉइंट। उसके पहले आप दोस्तों इसे ट्रिम कर लीजिए। ये जैसे ही ट्रिम कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट मिल जाएगा। आप दोस्तों इसे राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, और यहाँ से हम इसकी लाइन की मिड पॉइंट, इस लाइन की मिड पॉइंट, और इस लाइन की मिड पॉइंट पे हम क्लिक कर लेंगे। अब हम इन लाइनों को इरेज कर लेंगे, इनकी हमें रिक्वायर्ड नहीं। एंड ट्रिम कमांड लेके हम इसे भी ट्रिम कर लेंगे। दोस्तों इन इन सारे रेफरेंस लाइन को हम इरेज कर लेते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इस लाइन को हमने, अब इसे हम ऑफसेट कर लेंगे 15 mm इस साइड पे, 15 mm इस साइड पे। ऑफसेट करने के लिए वही इंटर कीजिए और 50 डालकर इंटर कर दीजिए इस साइड पे। अगेन ट्रिम कमांड लेंगे दोस्तों, और हम ट्रिम कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब दोस्तों इस बार लाइन को ऊपर की ओर 27 mm पे ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट करने के लिए वो इंटर कीजिए, 27 डालकर इंटर कर, ये देख सकते हैं। एंड इसे मिला दीजिए, अगेन ट्रिम कमांड लीजिए, यहाँ से हमारा ड्राइंग रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप एरो पे क्लिक कर सकते हैं, या कि
यहाँ से आप ड्राइंग को एज अ ब्रश में के कर लीजिए। अब प्रेसफुल कमांड लीजिए दोस्तों, यहाँ से अब देख दोस्तों, हम यहाँ पे जो जैसे हम प्रेसफुल करेंगे तो माइनस डालकर प्रेसफुल करेंगे, जैसे -56 mm, और इसे प्रेसफुल करेंगे हम -66 mm, इसे प्रेसफुल करेंगे -12 mm। सारे डिस्टेंस डायमेंशन को हम माइनस पे डाल के ही प्रेसफुल कर रहे हैं, -17 mm। और यहाँ से विजुअल स्टाइल को शेड्स ऑफ ग्रे कर लेंगे, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको, ये जो हमारा 5 mm इधर की ओर है और ये भी 5 mm इधर की ओर है, इसे हम मूव कर लेंगे। मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए और इस गिज़मो पे क्लिक कीजिए, 5 डालकर इंटर कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहे इसलिए ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब 5 डालकर इंटर कर दीजिए, ये हमारा मूव हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, अब हम इसे यूनियन कर लेंगे एंड राइट क्लिक यूनियन। अब यहाँ से हम 3D मूव करेंगे, कमांड लीजिए और इसे यहाँ पे इसे मिला दीजिए। अब ट्रिम कमांड लीजिए दोस्तों, ये हमने ट्रिम कमांड ले लिया, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, माउस से राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करने बाद, एंड इसे सेलेक्ट कीजिए और जे इंटर कीजिए, और यहाँ से प्लस टूल कमांड लीजिए और इसे 56 mm पे प्लस टूल कर लीजिए। अब दोस्तों राइट क्लिक कीजिए, मूव पे क्लिक कीजिए और इस वाले कॉर्नर से आप मिला दीजिए, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम ऑर्बिट करके देख लेते हैं, ये देख सकते हैं, और इसे भी हम यूनियन कर देंगे, यूनियन कर लेंगे, यहाँ सॉलिड यूनियन का कमांड मिल जाएगा। पहले इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड अगर आपको सिलेक्ट नहीं रहा तो इसे घुमा लीजिए ये, और इंटर प्रेस कर लेंगे। होम पे चले जाते हैं, अब दोस्तों हमें ये दो हॉलो बनाने हैं, उसके लिए हम यहाँ से जेड एक्सिस लेंगे और इस कॉर्नर पे जेड को आप ऊपर की ओर डायरेक्शन रखिए एंड यहाँ से 25 mm पे इस साइड पे लाइन ड्रॉ कीजिए एंड 25 mm पे इस साइड पे, तो हमें सर्किल की सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम सर्किल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे एट रेडियस पे, और इसे हम प्रेस पुल करेंगे नीचे की ओर, ये देख सकते हैं कट गया। अगेन दोस्तों इसे हम रोटेट कर लेंगे और यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इस पॉइंट से इस साइड पे 25 mm पे लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ से इस साइड 25 mm, यहाँ में हमारी सर्किल का जो हमारा पॉइंट है सेंटर पॉइंट वो मिल जाएगा, इससे हम 8 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम नीचे की ओर प्रेस पुल कर लेंगे, ये देख हैं। अगेन दोस्तों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, 3D मूव पे क्लिक कीजिए और इसे हम मूव कर लेंगे, और जो हमारा स्केच है उसे हम सेलेक्ट करेंगे
राइट क्लिक करके इरेज कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इसमें कलर देना चाहते हैं, माउस से डबल क्लिक कीजिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ से आप बाय लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कलर हैं। और भी सारे कलर चाहिए एक्स्ट्रा कलर तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से विजुअल स्टाइल चेंज करना होगा। विजुअल स्टाइल शेड्स ऑफ ग्रे की जगह यहाँ से रियलिस्टिक कर लीजिए, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका कलर अप्लाई हो जाएगा।